अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शेब हुसैनी और आप देख रहे हैं शेब अमलियात यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप भाईजान सब खैरियत होंगे। अल्लाह आप सबको ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सिर्फ अपनी ज़ात का मोहताज करे आप भाइयों और बहनों को। तो शेब भाई आपकी खिदमत में हाजिर है आज दस्ते गैब का अमल लेके। इससे गैब से रास्ते बनेंगे, गैब से दौलत आएगी, गैब से खाना आएगा और जिन्नात जिन्नात इज्जत करेगी। और रास्ते में पैसे, बिस्तर में पैसे, जहाँ जाओगे पैसे ही पैसे मिलेंगे। मगर खैर खैरात आपने ज़रूर कर लेनी है। ये गैब से रास्ता बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा आज। आज आपने इसको पढ़ना है ना, तो उसके बाद सारी ज़िंदगी ना मेरे हक़ में दुआ करेंगे और आपको दूसरे अमल करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। क्योंकि एक वजीफा जब काम करता है ना तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये दस्ते गैब का एक ख़ास अमल है जो जिन्नात पैसे देगी और दुश्मन खुद में खुद बर्बाद हो जाएगा और दुश्मन की जो नज़र है वो लगेगी नहीं आपको। नज़र एक बड़ी चीज़ होती है, ऐसे समझो कि ये काले जादू से भी ख़तरनाक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पनाह मांगा करो कि नज़र इतनी ख़तरनाक है, किसी को भी लग सकती है तो वो भी आपको नहीं लगेगी इंशाल्लाह। तो प्यार दोस्तों, ये गैब का एक ख़जाने का अमल बता रहा हूँ जो गैब से आपको ख़जाना मिलेगा, जिन्नात इज्जत करेगी, गैब से खाना आएगा, गैब से खर्चा आएगा, बिस्तर पे दौलत, रास्ते में दौलत। यानी आपका बस ये एक ही अमल काफ़ी है आपको अमीर बनाने के लिए। और आप गुरबा की ज़रूर खिदमत किया करें, मेरी इजाज़त उसको आम होती है मेरे अमालों की। कि जो गुरबा की खिदमत करता है नीयत अच्छी का है, किसी से बुक्स वगैरह नहीं रखता है, वो मुझे पता है नहीं अमल करें इंशाल्लाह मेरी रूहानी सपोर्ट उसके साथ है। जो बंदे हैं ना को प्यार दोस्तों, आपको भी सबको चाहिए कि कल के खुदा की खिदमत करें आप। और आज अमल जो दे रहा हूँ इससे आप फ़ायदा उठा लें, मुझे दुआ में याद रखें। तो प्यार दोस्तों अमल को शुरू करते हैं, तब तक के लिए आपसे छोटे से गुजारिश करता हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। तो प्यार दोस्तों मैं अमल पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके बाद तरतीब बता रहा हूँ कि ये किस तरह से करनी है। तो अमल ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए करीमी, ए करीमी कहे अज खजाना गैब, गुबरू तरसा वजीफा, खुरदारी दो सितार, अक जा कनी महरूम तो कह माँ दुश्मनान नज़रदारी। तो प्यार दोस्तों ये अमल है। तो प्यार दोस्तों ये आसान अमल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यार ये दस्ते गैब का अमल है और तजुर्बाशुदा और ख़ास है। तो प्यार दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, इसके कोई मसले की बात नहीं है। तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और इससे आप इससे काम ले सकते हैं और इससे आप गैब के ख़जाने बना सकते हैं। तो प्यार दोस्तों ये आपको 1100 बार आपने ये सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आपने पढ़ लेना है। तो आपने तसव्वुर करना है तो आपको रास्ते में पैसे मिले हैं और कि बिस्तर पे पैसे मिले आपको, आपको जहाँ यानी जाओ आप तो आपको पैसे ही पैसे मिलते रहें। तो प्यार दोस्तों पैसों का आप जब आपका बंदोबस्त गैब से हो जाए तो उसके बाद आप खैरियात करेंगे तो वो पैसे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। यानी कंजूस होकर फिर दबा लेंगे तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे अमल रुक जाएगा जैसे खिदमत करेंगे। और ये आप पक्का यकीन कर लेना कि हम खिदमत करेंगे और हमारा पैसा बढ़ेगा और बढ़ेगा भी। 1100 बार आपने पढ़ लेना है इसको सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद,
या 15 मिनट के बाद। उसमें उरूज माँ सवाली माँ का चक्कर नहीं है, सुबह बैठ जाएँ, फारिग टाइम में आपको है तो आप रात को ही कर, सुबह को ही आप कर लें, आज रात को ही कर लें, सुबह को कर लें, ठीक है। तो अपने सुबह को ही टाइम ये करना है, सूरज को देख के पढ़ना है, ठीक है। और तस्वर में यही रखना है कि रास्ते में मुझे पैसे मिल रहे हैं, जहन में आपके में ख्याल रही, दौलत मिल रही है, रास्ते में पैसे मिल रहे हैं, और दुश्मन खुद में खुद बर्बाद हो जाएगा। और गैब से खाना भी कैसे आ सकता है इससे, देरी के हिसाब से 1100 मरतबा इसको पढ़ लें। जब आप जंगल में अकेले जाएंगे तो वहाँ पे कोई होना लाजमी नहीं है आपके पास, और आपके पास कोई भी नहीं हो, अकेला अमलियात यानी उसकी मीनिंग है अकेला ही, ठीक है। तो अकेला ही में आपने जाना है, वहाँ में आपने बैठ के आपने इसको 41 मरतबा पढ़ के और दुआ मांगनी है, तो इंशाल्लाह आपके सामने खाना गैब से उतरेगा और आप आँखों से देखोगे, डरने की कोई बात नहीं है, और जिन्नात इज्जत करेगी इंशाल्लाह। तो प्यार दोस्तों, ये सारी तरतीब थी मैंने आपको बता दी है। अगर कोई बात मुझसे रह गई है तो कमेंट में पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए मुझे ये ज़्यादा ढेर सारा प्यार आप भाई बहनों के लिए, किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।